और ये मीडिया वाले भी यहाँ पे आ गए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसा कि हम मैं इमान ट्रेडर्स की तरफ से हमारे दो बंदों को जो गोलियां लग चुकी हैं यहाँ पे, ये पुलिस SHO कह रहा है कि उनको वो रिकवरी करके आ रहे थे दो बंदे, उनको इन्होंने रोका है पुलिस वालों ने और उनसे ज़बरदस्ती पैसे लेने की कोशिश की है, और उन्होंने उनके मना करने के बावजूद उन्होंने पुलिस वालों ने उनको उन पर ज्यादा कर ज़ोर ज़बरदस्ती की तो वो भागे, तो पुलिस वालों ने उन पर फायर खोले जिसमें से एक बंदा भाग गया, ये जो इंटरव्यू दे रहा है टीवी वालों को, न्यूज़ वन वालों को जो इंटरव्यू दे रहा है, और दूसरे बंदे को गोलियां लगी हैं, और पुलिस वाले कह रहे हैं कि जब हम थाने आए तो SHO कह रहे हैं कि SHO जो यहाँ पे है इंस्पेक्टर फैसल खान, वो कह रहे हैं कि ये फायर जो है ये मिस्टेकनली शॉट हुआ है, इफ़ ये फायर मिस्टेकनली शॉट हुआ है तो अगर मिस्टेकनली एक फायर या दो फायर शॉट होते हैं, टोटल जो फायर शॉट हुए हैं वो तकरीबन 7 और 8 उनकी रेंज है, और एक बंदा ज़ख्मी है उसको अभी हमारे बंदे PNS शिफा लेके गए, पहले जिना लेके गए थे तो जिना वालों ने एंट्री नहीं की। ये टीपू सुल्तान थाने की हदूद है जिसका SHO फैसल खान, और ये मीडिया वाले अभी यहाँ पे आ चुके हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये इंटरव्यू हो रहा है, तो आगे पुलिस वाले दो खड़े हुए थे मोटरसाइकिल पे थे दोनों, उन लोगों ने वर्दी छुपाई हुई थी ऊपर, पहना हुआ था, इनको रोकने का कोशिश किया तो ये लोग समझे कि ये डकैत है, जैसे ये भागने लगे उन लोगों ने पीछे से फायर खोल दिए, एक बंदा शदीद जख्मी है वो हॉस्पिटल में अभी इस टाइम पड़ा हुआ है, और अब ये पुलिस वाले कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्स है, कम्युनिटी पुलिस है ये, और ये अभी वो बचाने का कोशिश कर रहे हैं पुलिस वाले। जिन लोगों को गोली मारी है वो क्या उसके पास फासला होता था? नहीं, उसके पास फासला नहीं, 17 साल का लड़का है, वो 17 साल का लड़का है, ठीक नहीं उसका भाई, वो दुकान में कर रहा है। थोड़ा इधर आ जाए ना, गाड़ियाँ आएंगी बीच में रोड पे, थोड़ा आगे आ जाए ना, गाड़ियाँ वाड़ी आएंगी कोई। बिरयानी के बराबर बैटरी की दुकान है, तो मेरे लड़के रोजाना मामूल की तरह पैसे कुछ लेकर अपने जेब में पीछे ऑफिस की तरफ आ रहे थे, तो रास्ते में इन्होंने दो लड़कों ने मोटरसाइकिल पर इनको रोका और बोला निकालो जो तुम्हारे पास है, तो ये दो लड़कों में से एक लड़का थोड़ा सा नॉर्मल है, तो वो 17 साल जिसकी उम्र है वो एकदम भागा उनको डाकू समझ के, तो ये भी उसके साथ मोटरसाइकिल छोड़ के भागे, तो इन्होंने पीछे से स्ट्रेट फायर खोले 8-10, जो कि एक लड़के को जो जिसकी उम्र 17 साल है वो अभी हॉस्पिटल में सीने में गोली लगी है उसके, और दूसरा जो भाग कर उधर आ गया, तो लोगों ने जब इन ये जो दोनों बंदे हैं जो लोगों ने इनको घेर लिया जिन्होंने फायर खोले थे, अब वो पुलिस के साथ SHO की गाड़ी में बैठ कर इनको इधर